नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भेजड़ी मिलियन में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच खेले जाने वाले एकमात्र मैच का, जो कि विजयवाड़ा में खेला जाने वाला है, जहां की पिच कंडीशन स्पिनिंग कंडीशन को हेल्पफुल करती है। और अपने ड्रीम इलेवन टीम में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर को ही पिक करिएगा। चलिए बात करते हैं इस मैच के बारे में। तो इस मैच के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अच्छे अच्छे इसी तरह वीडियो सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। मैं आपको इस वीडियो में आज इन दोनों के बीच खेला जाने वाला प्लेइंग इलेवन तथा ड्रीम इलेवन टीम देने वाला हूँ। चलिए देखते हैं कि इन दोनों के बीच का प्लेइंग इलेवन किस तरह होगा। इंडिया एक तरह से दोस्तों आपको ओपनिंग कर दिखेंगे पृथ्वी शॉ, उनके साथ आर शर्मा, जो कि दोनों ही बहुत अच्छा और बेस्ट बैट्समैन है अपनी टीम के। उनके बाद आपको फर्स्ट रन दिखेंगे हनुमा बिहारी, और सेकंड रन दिखेंगे सुरेश अय्यर। उसके बाद आपको संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव, कुणाल पांड्या, के गौतम या फिर मयंक मारकांडे में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर के गौतम का खेलने का चांस ज़्यादा है, और आप रिक्स लेना चाहें तब के गौतम के साथ ही जाएँ, बट मयंक मारकांडे को रिक्स ना लें। उनके बाद दीपक चहर, मोहम्मद सिराज या खलील अहमद में या शिवम मावी में से कोई एक खेलेगा। मुझे यहाँ पर खलील अहमद का चांस ज़्यादा है, और यहाँ खलील अहमद खेल सकते हैं। दोस्तों यह रहा आपका प्रोवर प्लेइंग इलेवन टीम इंडिया का। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का प्रोवर प्लेइंग इलेवन का। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपको ओपनिंग कर दिखेंगे डार्सी स्टोर्ट, फर्स्ट रन दिखेंगे उनके साथ दिखेंगे उस्मान ख्वाजा। फर्स्ट रन आपको दिखेंगे ट्रवी सेठ, जो कि इनका टीम कैप्टन और एक इंटरनेशनल लेवल का बहुत ही बेस्ट बैट्समैन है। उनके साथ दिखेंगे आपको, उनके बाद दिखेंगे पीटर हेंचकॉम, उनके बाद एलेक्स कैरी, मैट रेंसो या फिर एम लावुस गन्ने में से कोई एक खेलेंगे। मुझे लगता है मैट रेंसो खेलने का चांस ज़्यादा है। एस्टोनेगा, जो कि इनके टीम का बहुत ही बेस्ट ऑलराउंडर है, माइकल निशर भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, माइकल निशल स्वेप्सन जो कि एक बहुत ही बेस्ट लेग स्पिनर है, आप इन्हें अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। उनके बाद जे रिचर्डसन, बिली स्टर्लिंग बहुत ही बेस्ट फास्ट बॉलर है इन दोनों ही टीम के मिला के बात किया जाए। तो दोस्तों ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया का प्लेइंग इलेवन। चलिए बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम का, देखते हैं किस तरह से बनेगा। अगर आप मेरे ड्रीम इलेवन टीम के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट अगर आप एक अच्छे ड्रीम इलेवन टीम इसी की प्लेयर के साथ बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें, और अपने बेस्ट प्लेयर को चूज़ करके अपने हिसाब से भी आप ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि ड्रीम इलेवन टीम किस तरह। विकेट कीपिंग में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दोनों ही ऑप्शन सेफ है, दोनों ही कंफर्म आज का मैच खेलने वाला है। आप चाहे तो दोनों में से किसी के भी साथ जा सकते हैं, दोनों सेम डाउन ही बैटिंग करने वाले आने वाले हैं, बट मैं संजू सैमसन को प्रीफर करता हूं क्योंकि मुझे क्रेडिट भी बच रही है। और संजू सैमसन एक इंडियन बैट्समैन है, जो कि इंडियन कंडीशन में एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसलिए मैं संजू सैमसन से ज़्यादा रहा। आप रिस्क लेना चाहते तो एलेक्स कैरी के साथ जाके ग्रैंड लीग खेल सकते हैं, या फिर आप स्मॉल एलेक्स कैरी के साथ जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं बैटिंग सेशन में। तो बैटिंग सेशन में आपके एक बेस्ट रहने वाले हैं उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम के एक बेस्ट बैट्समैन है। उनके बाद हनुमा बिहारी, पृथ्वी शॉ और रवि कुमार शर्मा, जो कि ओपनिंग करने वाले हैं। मैं इन बैट्समैन के साथ जा रहा हूँ। आपके लिए मैं बता दूँ ऑप्शन, तो आपके लिए यहाँ से बेस्ट रहने वाले सुरेश अय्यर, जो कि आपके लिए सेफ ऑप्शन है। सूर्य कुमार यादव भी आपके लिए सेफ ऑप्शन है। पीटर हैंडकॉम, मैट रेंसो थोड़ा सा रिस्की है, अपने ट्राई ना करें, अपने ग्रैंड लीग में ही ट्राई करें। सिद्धेश लड़ा आज का मैच नहीं खेलने वाले हैं। डीआरसी शॉट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहने वाले हैं दोस्तों। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शन मैंने बताया, आप इनके हिसाब से अच्छे प्लेयर पिक कर लीजिएगा। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन की। तो ऑलराउंडर में आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं ट्रविस हेर, कुणाल पांडे और एस्टन नेगार। ये आपके लिए तीन बेस्ट टॉप ऑलराउंडर है। आपको बता दें ऑप्शन यहाँ, तो कृष्णप्पा गौतम को आप पिक कर सकते हैं, माइकल नेसर को पिक कर सकते हैं। नीतीश राणा थोड़े रिस्की रहने वाले हैं, इनके जगह पे सूर्य कुमार यादव को खिलाया जा सकता है, बट थोड़ा कुछ कहानी जा सकता है, 50-50 चांसेस। चलिए नीतीश राणा को ग्रैंड लीग में ही पिक करिएगा। है दोस्तों बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन की। तो बॉलिंग में आपको बेस्ट रहने वाले बिली स्टर्लिंग, दीपक चहर और जेरिसन। मैं दो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर के साथ जा रहा हूं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो भी विकेट निकलेगा वो फास्ट बॉलर ही निकालेंगे, और इंडिया का अधिकतर से अधिक विकेट स्पिनर ही लेंगे। इसलिए मैं इंडिया का स्पिनर ले रहा हूं और ऑस्ट्रेलिया का ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट बॉलर। मैं इंडिया के एक फास्ट बॉलर दीपक चहर के साथ जा रहा हूं। आपको ऑप्शन बता दो, यहाँ से मोहम्मद सिराज आपके लिए बेस्ट रहने वाले हैं, खलील अहमद और रिस्की रहने वाले हैं। मैं मिचेल स्वेप्सन आप ले सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियन टीम के स्पिनर हैं। जैक विलियमसन थोड़ा रिस्की रहने वाले हैं। मयंक मारकंडे थोड़ा रिस्की रहने वाले हैं। शिवम मावी भी रिस्की रहने वाले हैं। क्रिस टर्मर नहीं खेलेंगे, जो पेरिस नहीं खेलेंगे दोस्तों। ये कुछ आपके सेफ ऑप्शन थे, आप इसमें से चूज़ कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन। तो कैप्टन मैंने रखा है ट्रविस हेर का, वाइस कैप्टन रखा है मैंने पृथ्वी शॉ। आपको वाइस कैप्टन को बता दूँ, यहाँ से आप कुणाल पांड्या या फिर हनुमा बिहारी में से किन्हीं को भी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से आप टीम देख लीजिएगा।
कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे बेस्ट रहने वाला है इन दोनों के बाद दोस्तों, उस्मान खवाजा, हनुमा बिहारी, रवि कुमार समर्थ, कुणाल पांडे और संजू सैमसन, ये कुछ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो स्टनेगार को भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप मेरे टीम साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं दोस्तों, बट अगर आप अच्छा टीम बनाना चाहते हैं तो इन्हीं की प्लेयर के साथ आप बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ। धन्यवाद।